सर्दियों में घुटनों में स्वेलिंग इसलिए आती है क्योंकि जो लिगामेंट है, जो टिशूज हैं, वो सर्दियों में टाइट होते हैं। जब टिशूज और लिगामेंट टाइट होते हैं तो वो जगह घेरते हैं, और जब वो जगह घेरते हैं तो वो जो नर्व जहाँ पर जो उसके आसपास की जो नसें होती है, जो नर्व सप्लाई होती है, उनमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तब घुटनों में दर्द होता है, और जब लिगामेंट और टिशू जब फूलते हैं, जब सूजते हैं, तब स्वेलिंग आती है। और ये तब होता है जब ज़्यादा एजड लोग हों, जैसे 50 क्रॉस कर चुके हैं, उनको ये ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सर्दियों में जो कैल्शियम होता है वो कम पानी पीने की वजह से कैल्शियम कम बनता है। कभी आपने गौर किया होगा कि सर्दियों में पेशाब जो आती है वो पीली आती है, क्योंकि वो कम पानी पीने की वजह से। जब आप कम पानी पीते हैं, थोड़ा बहुत बन रहा होता है, वो कम पानी पीने की वजह से वो जो फ्लूड बनता है वो बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए एजड लोगों के घुटनों में ज़्यादातर दर्द होती है। जब मोटापा ज़्यादा हो, कि मोटापा ज़्यादा होने की वजह से, वजन ज़्यादा होने की वजह से घुटनों पर असर पड़ता है, मोटापा ज़्यादा होने की वजह से, या शुगर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, या बीपी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, कमज़ोरी होने की वजह से, या सर्दी लगना, मांसपेशियों में अकड़न आने की वजह से, लगातार बैठे रहने की वजह से भी होता है, लगातार बैठे रहते हैं, नब्ज़ दबती या पानी कम पीने की वजह से भी होता है। कभी ऐसा होता है कि यूरिक एसिड जब शरीर में बढ़ जाता है तब भी घुटनों में दर्द होता है। कोई इन्फेक्शन की वजह से आप कहीं वैसी जगह जाते हैं, इन्फेक्शन की वजह से, या जो इंजेक्शन लगता है, कभी एक बार गलत इंजेक्शन लगने की वजह से जो एयर होती है इंजेक्शन की, वो नहीं निकलती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता। अर्थराइटिस की वजह से भी दिक्कत ये होती है, धूम्रपान करने की वजह से, या ज़्यादा शराब पीने की वजह से, या चोट लग जाने की वजह से, गिर जाने की वजह से, कई कारण होते हैं। अगर बात करते हैं तो लक्षण की, लक्षण में क्या है, चलने फिरने में दिक्कत होगी, उठने बैठने में दिक्कत होगा आपको, और जब उठे बैठेंगे तब हड्डी कट कट की आवाज़ करेगी, और जब लेटेंगे तो पैरों में टूटन सी आएगी। उपाय की बात करते हैं, उपाय में सबसे पहला मैं उपाय बताऊंगा, आप ये वाला नी बैंड लगा सकते हैं। ये नी बैंड बहुत ही अच्छा नी बैंड, जितने पेशेंट आते हैं मैं उनको यही नी बैंड बताता हूँ। ये जो नी कैप का है, KS Care का नी कैप का है, और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ये है 305 रुपये का। कई पेशेंट आते हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कारगर है। दूसरा आप उपाय कर सकते हैं कि आप तिली का तेल लगा सकते हैं। तिली का तेल, अगर आपके दर्द ज़्यादा होता है तो आप तिली का तेल लीजिए, मार्केट में मिल जाएगा। तिली के तेल से आप मालिश कीजिए, धूप में बैठ कर आपको बहुत आराम मिलेगा। और आप शहद और अदरक को पीस के उसको सुखा के उसका चूड़ बना सकते हैं, चूड़न, और फिर वो शहद में मिला के आप अपने घुटनों पर लगाइए, बहुत आराम मिलेगा आपको सूजन में। या आप DFO जेल ले सकते हैं, DFO जेल, वो आपको लिगामेंट में बहुत ही रिलीफ देता है, आप वो ले सकते हैं। या आप काली मिर्च और लौंग और लहसुन, इनको पीस के इनका लेप बना लीजिए, और उस लेप को 10 मिनट तक अपने नी जॉइंट पर लगाइए। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 से 3 दिनों में आपके सूजन में और दर्द में बहुत आराम मिलेगा। आप आइस थेरेपी कर सकते हैं, अभी तो खैर सर्दी अभी नहीं कीजिए, गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, बोतल में गर्म पानी लीजिए, उस पर नी जॉइंट पर रखिए, उससे सिकाई कर सकते हैं। या आप एक किसी बर्तन में गर्म पानी करिए, उसमें 2 चम्मच नमक डालिए और उसमें पैर डालकर 10 मिनट तक सेक कीजिए, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। आप किसी पत्थर को गर्म कीजिए और उस पत्थर को खूब लाल कीजिए, उस पर एक सूती कपड़ा रखिए, उस कपड़े से अपने नी जॉइंट की सिकाई कीजिए, बहुत आराम मिलेगा आपको। और कल मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था कि कई 3-4 मैसेज ऐसे आए थे जो बोल रहे थे, भाई मैंने स्टेरॉयड 8 से 10 लगवा लिए हैं, मुझे फ़ायदा नहीं मिला। तो मैं उनको एक बात बता दूं कि स्टेरॉयड क्यों होता है। स्टेरॉयड इसलिए दिया जाता है, स्टेरॉयड का जैसे अगर यहाँ पर स्टेरॉयड लगाया है तो ये जो भाग है मेरा, ये इतना हिस्सा, ये सुन्न हो जाएगा। जब ये सुन्न हो जाएगा तो उतनी देर के लिए मुझे दर्द नहीं होगा, घंटे या 2 घंटे के लिए।
जब आप एक स्टोर लगवाएंगे, दो या तीन चार पांच आप लगवाएंगे, इतना का जो भाग है वो सुन्न हो जाएगा। धीरे धीरे यहाँ की आपकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, तो सुन्न हो जाएगा। आपकी ब्लड सप्लाई बंद भी हो सकती है, आपको यहाँ पर इतना एरिया आपकी, जब वो धीरे धीरे सुन्न हो जाएगा, सुन्न रहेगा, क्योंकि स्टेरॉयड का काम ये है कि जब इतने में स्टेरॉयड लगता है तो जो ब्लड आता है ब्लड को वापस कर देता है, ब्लड आने नहीं देता, वो वापस कर देता है, ब्लड सप्लाई रोक देता है उस समय के लिए। तो आपको ये लगता है कि आपका दर्द कम हो गया है या आपको आराम हो गया, ऐसा नहीं है। स्टेरॉयड सिर्फ काम इसलिए है कि आपका उतना भाग सुन्न कर देता है। अगर 10 तक स्टेरॉयड आप लगवा लेंगे तो आपका वो भाग या तो सुन्न पड़ जाएगा या आपको कोई ना कोई दिक्कत आपको ज़रूर होगी। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि आप स्टेरॉयड ना लगवाएं, और कोशिश कीजिए कि आपके जो नी जॉइंट में दर्द होता है वो ऐसे ही ठीक हो जाए, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। आप अपनी मालिश वगैरह करते रहिए, और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है किसी थेरेपिस्ट को दिखा लीजिए, लेकिन स्टेरॉयड के चक्कर में ना पड़िए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।